नमस्कार, मैं तनु जांगिड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। कन्याकुमारी में 1970 को विवेकानंद स्मारक का उद्घाटन हुआ। विवेकानंद रोप मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैरकर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। स्वामी विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। समुद्र की लहरों से घिरी इस शिला तक पहुंचना भी एक अलग अनुभव है। स्मारक भवन का मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरो के गुफा के प्रस्तर शिल्पों से लिया गया लगता है। लाल रंग के पत्थर से निर्मित स्मारक पर 70 फुट ऊंचा गुंबद है। भवन के अंदर 4 फुट से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर परिव्राजक संत स्वामी विवेकानंद की प्रभावशाली मूर्ति है। यह मूर्ति कांसे की बनी है जिसकी ऊंचाई 8.5 फुट है। आज के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी अंतरिम सरकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अविभाजित सरकार की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इससे पूर्व अंतरिम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में जनमत रहा था। अंतरिम सरकार में दूसरा सबसे बड़ा पद सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। सिख नेता बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, मुस्लिम कांग्रेस के नेता अशरफ अली को रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की कमान दी गई थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को भी मंत्रिपरिषद में जगह दी गई थी। दूसरा विश्व युद्ध आज के दिन औपचारिक रूप से हुआ था समाप्त। जापान ने 2 सितंबर 1945 को युद्ध समाप्ति की घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। इससे पहले 14 अगस्त 1945 को देर रात जापान के सम्राट हिरोहितो ने राजमहल में जापानी रेडियो पर अपना संदेश रिकॉर्ड कराया था। जापान के सम्राट ने कहा कि मैं खुद अपने आंसू पीकर मित्र राष्ट्रों के घोषणा पत्र यानी जापान के आत्मसमर्पण की शर्तों को मानने की अनुमति देता हूँ। इस तरह युद्ध समाप्त हो गया था। आज के दिन हुई थी ATM की शुरुआत। 2 सितंबर की तारीख बैंकिंग जगत के इतिहास में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जानी जाती है। 1969 को इसी दिन बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में पहली बार दुनिया के सामने पैसे निकालने वाली ATM मशीन सामने आई थी। इस ऑटोमेटिक टेलर मशीन को सबसे पहले केमिकल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू किया था। ATM मशीन बनाने का प्रयास कई लोग कर रहे थे, लेकिन इसे बनाने में सफलता डॉन वेटजेल को मिली थी। शुरुआती दौर में इससे सिर्फ कैश निकलता था। 1980 के आते आते इसमें कई बदलाव किए गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 2 सितंबर दिन बृहस्पतिवार। आज का विषय है ज्ञान विद्या। मेष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। सितारे आपके साथ हैं। करियर के लिए समय अच्छा है। पद एवं सम्मान में वृद्धि होगी। प्रोफेशनली आपकी स्थिति सामान्य रहेगी। आपके शत्रु पराजित होंगे। ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। पराक्रम एवं उत्साह में वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग सिंदूरी पीली तथा निषेध रंग हरा व नीला। वृष, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। समय उत्तम है। जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में फायदा होने के योग हैं। आपके ज्ञान विद्या के लिए प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बेहतरीन समय। पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग जामनी व काला। मिथुन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 53%। व्यापार से जुड़े फैसले भावनाओं में बहकर ना लें। आपके व्यर्थ के विवाद संबंधों में कटुता का कारण बन सकते हैं। निराशा एवं नकारात्मक सोच से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा धानी तथा निषेध रंग सिंदूरी। कर्क, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 75%। मांगलिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। समय आपके अनुकूल है। नौकरी में आपकी पहचान पर थोड़ी धूल पड़ सकती है। कार्यों में रुकावटों के योग हैं। शुभ रंग पीला सफेद तथा निषेध रंग हरा काला। सिंह, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। शीघ्र ही समस्याओं का निस्तारण होगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिजनों में किसी अतरंग अथवा विश्वासपात्र व्यक्ति की सलाह लेना जरूरी होगा। किसी मनोकामना पूर्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल पीला तथा निषेध रंग काला नीला हरा। कन्या,
आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 57%, बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। परिवार और आर्थिक स्थिति के मामलों में भी सहजता बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। धैर्य की आवश्यकता है क्योंकि पूर्ण अनुकूल समय नहीं आया है। रुके हुए कार्यों में प्रगति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग पीला व बसंती। तुला, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 50%। आपको कार्य से छुट्टी पर जाना पड़ सकता है। कर्मचारियों एवं साझेदारियों से कति में समस्याएं परेशान कर सकती हैं। जीवन साथी व बच्चों से संबंध सामान्य रहेंगे। कार्यों में आ रही रुकावटों के दूर होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद बसंती तथा निषेध रंग काला व नीला। वृश्चिक, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। अपने विवेक का प्रयोग करें, वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह मानें। सफलता प्राप्ति के योग हैं। भारी सहयोग से कार्य होंगे। नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। दुर्घटना के योग हैं। शुभ रंग सिंदूरी पीला तथा निषेध रंग हरा का ही। धनु, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 77%। पेशेवर स्तर पर अपनी क्षमता साबित करने में सफल रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं। इस समय आपको अपना फोकस बनाए रखने की जरूरत है। भाग्य का सहयोग न मिलने के योग हैं। शुभ रंग पीला बसंती मस्टर्ड तथा निषेध रंग हरा धानी व काही। मकर, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 48%। आध्यात्मिकता और योग मानसिक व्यग्रता दूर करेंगे। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की प्रवृत्ति रहेगी। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आप नए क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रवृत्त होंगे। चली आ रही समस्याओं से मुक्ति के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग जामनी। कुंभ, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 49%। विदेश जाने की योजना बना रहे हैं तो उसमें अवरोध आ सकता है। ससुराल में किसी महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि होगी। स्थायी संपत्ति में धन निवेश के योग हैं। आपकी वाणी में कष्टता अधिक रहेगी। भाग्य वृद्धि के योग हैं। शुभ रंग बसंती तथा निषेध रंग काला। मीन, आपके ज्ञान विद्या के लिए भाग्य 78%। उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हो सकता है। पुराने दोस्तों के साथ भी समय बीतेगा। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग हैं। शुभ रंग पीला मस्टर्ड बसंती तथा निषेध रंग हरा का ही धानी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 2:06 से दोपहर 3:51 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।